हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कृष्णा। ये लेक्चर सीरीज़ है जियोलॉजी ऑप्शनल के लिए। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए मेनली इम्पॉर्टेंट है, बट जीआईएस के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम लेक्चर सीरीज़ है। और साथ में गेट या और भी जहाँ जहाँ जियोलॉजी है, इकोनॉमिक जियोलॉजी पढ़ रहे हैं। 2.4 का मतलब है पेपर 2 की यूनिट नंबर 4। पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में 6-6 यूनिट्स हैं, और यहाँ पर 6 को आप 7 मान सकते हो क्योंकि जियोमॉर्फ प्लस रिमोट सेंसिंग। लेकिन जनरल जियोलॉजी और जियोमॉर्फ को आप एक यूनिट मान सकते हो, वो सेम ही है। ठीक है, जनरल जियोलॉजी में जो कुछ लिखा है और जियोमॉर्फोलॉजी, ये पूरा जियोमॉर्फोलॉजी है एक्चुअली। ठीक, तो पेपर 2 में हमारा आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में है इकोनॉमिक जियोलॉजी, दैट इज़ अप्लाइड पार्ट ऑफ मिनरोलॉजी, इग्नस एंड मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंटोलॉजी, इनका अप्लाइड पार्ट है। तो हम यहाँ पर जो मेनली पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक जियोलॉजी में, ये वाला टॉपिक जियोलॉजी ऑफ दीज ऑल थिंग्स इंपॉर्टेंट इंडियन डिपॉजिट। तो एग्जाम में सिलेबस में तो यही लिखा हुआ है, जियोलॉजी ऑफ कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन डिपॉजिट। किसकी बतानी है? कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इनकी बतानी है, इंडस्ट्रियल मिनरल्स की बतानी है और कोल एंड पेट्रोलियम की बतानी है। तो ये जो टॉपिक है यहाँ से शुरू होके यहाँ तक आता है। ठीक, इसके बाद कुछ ऐसे अप्लाइड टॉपिक्स हैं या करंट इशूज़ हैं, बाकी ये इसका बेसिक्स है इकोनॉमिक जियोलॉजी, इसको हम पढ़ेंगे। तो अब अगर हम मिनरल्स का क्लासिफिकेशन करें एक बार कि मिनरल डिपॉजिट कितने टाइप के होते हैं, तो मेनली दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मेटेलिक, दूसरे होते हैं नॉन मेटेलिक। अब मेटेलिक में मेनली होते हैं फेरस एंड नॉन फेरस। इसके अलावा भी कुछ ग्रुप हो सकते हैं जो हमारे लिए काम के नहीं है, जैसे होते हैं प्रीशियस मेटल, या आप टेबल बना सकते हो, प्रीशियस हो सकते हैं जिसमें गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम ये चीज़ें आ सकती हैं, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। लेकिन अगर इसमें से कुछ लिखा हो सिलेबस में तो हम पढ़ेंगे, जैसे प्रीशियस मेटल में गोल्ड सिलेबस में लिखा हुआ है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। देन फेरस में से आपका आयरन और मैग्नीज सिलेबस में है, क्रोमियम भी सिलेबस में है, क्रोमियम के ऊपर ये लेक्चर है। देन नॉन फेरस मेटल की बात करें तो कॉपर, लेड और जिंक आ जाता है, टिन आ जाता है, एंटीमनी, बिस्मिथ। देन इसके बाद और भी इसमें कुछ हैं क्लासिफिकेशन, जैसे लाइट मेटल आ जाते हैं, इसमें एल्यूमिनियम आ जाता है। देन इसके बाद रेडियो एक्टिव मेटल आ जाते हैं, इसमें यूरेनियम, थोरियम आ जाता है। रेयर अर्थ मेटल भी आप इनके साथ ही पढ़ सकते हो, हालांकि और रेयर अर्थ शामिल नहीं है। देन नॉन मेटेलिक मिनरल में आपके आते हैं मिनरल फ्यूल्स, ये जो फ्यूल्स हैं कोल पेट्रोलियम एक साथ आ जाएंगे। देन जेमस्टोन हुए, एब्रेसिव मिनरल, ये सब हुई सिलेबस में हमारे हैं इंडस्ट्रियल मिनरल्स। ठीक है, इसके अलावा होते हैं बिल्डिंग मिनरल्स, डायमेंशन स्टोन, इनको हम नहीं पढ़ेंगे, बट इंडस्ट्रियल मिनरल के नाम पर मेका है, ठीक है, एस्बेस्टस है, बेराइटस है, टाल्क है, इस टाइप के कुछ मिनरल्स हैं, वर्मिकुलाइट, ये सब हमें पढ़ने पड़ेंगे, इनसे क्वेश्चन पूछता है। तो ये तो हुआ, इसमें हमें पढ़ना क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखनी है, सिलेबस में आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल, क्योंकि आपने मोस्टली ज्योग्राफी ऑप्शनल से जियोलॉजी स्विच किया होगा, तो आपको वो नहीं लिखना है, मैप नहीं बनाना है। यहाँ पर ज्योग्राफी में होता है रिसोर्स ज्योग्राफी का मतलब मैप, बट दिस इज नॉट लेक्चर ऑफ मैप। इसे ज्योग्राफी ऑप्शनल लेवल 2 इनरिच करने के लिए कर सकते हो, बट ऐसा नहीं कि आप इसको लेके बिल्कुल बैठ जाओ, यही बता दो। इकोनॉमिक जियोलॉजी में टोटल 12 टॉपिक्स हैं, जिसमें 7th टॉपिक है बड़ा, इतना बड़ा दिख रहा है, बाकी तो छोटे छोटे टॉपिक्स भी हैं। तो इसमें अगर आप क्वेश्चंस देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर एक क्वेश्चन मान लो एल्यूमिनियम के पूछ लिया तो वो सेम क्वेश्चंस बाकी के लिए भी पूछ सकता है। तो इम्पॉर्टेंट मैग्नीज डिपॉजिट ऑफ इंडिया बताना है, उनकी मिनरोलॉजी एंड जियोलॉजिकल सेटिंग, ठीक है, ये बता देनी है। प्री कैम्ब्रियन जियोलॉजी ऑफ सिंघभूम एरिया, अब ये एक्चुअली आपको इस टॉपिक में मैंने डाला है, बट दिस टॉपिक इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू डिनोडेशन क्रोनोलॉजी, जो कि आता है आपका जियोमॉर्फोलॉजी में, और डायरेक्टली वो डिनोडेशन क्रोनोलॉजी जियोलॉजी ऑप्शनल में तो नहीं लिखा है सिलेबस में। कॉपर डिपॉजिट का ब्रीफ अकाउंट देना है, माइका डिपॉजिट, इंडस्ट्रियल मिनरल की अभी हमने बात की थी, देन कॉपर डिपॉजिट, खेत्री माइंस, हड़प्पा कल्चर, ब्रॉन्जेज कल्चर, उसके पूछा मिनरोलॉजी, जियोलॉजी एंड जेनेसिस। अगर आप ध्यान दो तो ये मिनरोलॉजी जरूर पूछ रहा है। तो ये टॉपिक जैसे कि मैंने आपको कहा था मिनरोलॉजी और ये पेट्रोलॉजी का अप्लाइड पार्ट है, तो उस तरह से पूछता भी है। तो इस टॉपिक के लिए आपको इन मिनरोलॉजी और सेडिमेंटोलॉजी और इग्नस और मेटामॉर्फिक की समझ होना जरूरी है। देन जेनेसिस एंड ऑकरेंस ऑफ मिनरल, मैग्नीज मिनरल पूछ लिया। देन एक ये 10+10 का क्वेश्चन पूछा है, जिसमें कोल डिपॉजिट पूछा है, मैप पर बता दो, और बाकी कुछ और पूछे हैं कि खेत्री कॉपर बेल्ट, हुट्टी गोल्ड, झरिया, नेल्लोर, माइका बेल्ट, ये पूछ लिया। फिर से ये आपका पूछा है इंडस्ट्रियल मिनरल के बारे में पूछ लिया। देन इसके बाद आयरन और बेसिन सिंघभूम क्रेटन में पूछ लिया, उसके कैरेक्टरिस्टिक पूछ लिए। देन डिफरेंस बिटवीन बैंडेड आयरन और फॉर्मेशन, BIF
क्या होता है, हमने जीएस में भी इनफैक्ट पढ़ा था आयरन स्टोन, क्या डिफरेंस है इनमें, तो बता दो इनमें डेट्रिटस क्यों नहीं होते हैं बीआईएफ में। देन ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑक्रेंस, और ये बॉक्साइट मतलब एल्यूमिनियम का रिसेंटली पूछा है। देन जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैगनीज, तो आप ये देख रहे हो मैगनीज तीन बार पूछा है सबसे ज़्यादा, लेकिन अगर एक टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया तो वो सेम दोबारा पूछेगा। कोल और पेट्रोलियम पे हम अभी जा नहीं रहे, तो हम लेक्चर देखते हैं कि इकोनॉमिक जियोलॉजी, क्रोमियम की हम बात करेंगे। इसमें हम लोग अभी तक मैग्नीज रिसोर्स पढ़ चुके हैं, आयरन पढ़ चुके हैं, और ग्रेड ऑफ आयरन और बैंडेड आयरन फॉर्मेशन ये हम पढ़ चुके हैं बीआईएफ अगर आप देखो। देन इसके बाद आयरन, मैग्नीज, क्रोमियम, क्रोमियम हम पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो क्रोमियम एक बहुत ही प्यारा मटेरियल लगता है देखने में, बहुत सारे एलॉय इंडस्ट्री में काम आता है, ठीक है, जो एल्यूमिनियम को भी रिप्लेस करने के लिए अब क्रोमियम की नीड है। देखो क्रोमियम आया कैसे था, आयरन के जो बर्तन होते थे या आयरन के जो गाड़ियां होती थी वो बहुत हैवी होती थी, उसको एल्यूमिनियम ने रिप्लेस किया, अब उसको क्रोमियम एलॉय से हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं। तो क्रोमियम की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। एरोप्लेन हुआ, सैटेलाइट हुआ, ट्रेन्स हुए, बसेज हुए, जो लाइट वेट मटेरियल हम बना रहे हैं वो क्रोमियम का बना रहे हैं। तो क्रोमियम का जो एलॉय होता है दैट इज़ सॉरी ओर होता है दैट इज़ क्रोमाइट। क्रोमाइट एक ऐसा मिनरल है, आयरन क्रोमियम ऑक्साइड, Fe होता है प्लस Cr होता है प्लस ऑक्सीजन होता है, तो ये एक ऑक्साइड ओर है जो कि स्पाइनल ग्रुप का होता है। अब ये क्या है अगर आपको नहीं पता तो मिनरोलॉजी में इसकी बात करेंगे, अदरवाइज आप वहाँ पढ़ो, वहीं हम इस चीज़ को पढ़ते हैं। क्रोमियम इकलौता सोर्स है, क्रोमाइट इकलौता सोर्स है क्रोमियम मेटल का, और इंडिया इसका इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर दोनों है। इंडिया में अच्छी खासी इसकी प्रोडक्शन होता है। अगर हम मिनरोलॉजी और क्लासिफिकेशन की बात करें साथ में ग्रेड, तो क्वेश्चंस भी इन्हीं हेडिंग्स में पूछा हुआ, हम पढ़ेंगे भी इस टॉपिक को इन्हीं हेड्स में कि मिनरोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन, ये लगातार विंडो ये ओपन रहेगी ताकि आप देख पाओ क्या है ग्रेड्स, टाइप एंड मोड ऑफ अकरेंस, कौन कौन से टाइप हैं, ओरिजिन देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन जियोलॉजिक और जियोग्राफिक दोनों देखेंगे। तो जो आप लोग पढ़ के जाते हो वो सिर्फ ये पढ़ के जाते हो, जियोलॉजी आपके में मिसिंग होती तभी नंबर नहीं आते, फिर कहते हो जियोलॉजी से सिलेक्शन नहीं होते, दो चार लोगों के कैसे 300 प्लस आ जाते हैं। रिजर्व प्रोडक्शन माइनिंग और यूजेस हम पढ़ेंगे। तो क्रोमियम का जो ओर है क्रोमाइट या ऑक्साइड मिनरल है, कंपोज्ड ऑफ क्रोमियम आयरन ऑक्सीजन, FeCr2O4 लिख सकते हो, बट इसको आप ये लिखो FeO.Cr2O3। तो इसमें अगर आप देखो अराउंड 70% Cr2O3 है और 30% FeO है, ठीक है, टू थर्ड वन थर्ड कर सकते हो। इसमें जो इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की हो सकती है, सिल्का की हो सकती है, और कैल्शियम ऑक्साइड की हो सकती है। और Cr2O3 और FeO इनकी जो एक खास बात है, इनका रेसिप्रोकल रिलेशन रहता है, मतलब ये अमाउंट इनकी फिक्स है, इम्प्योरिटीज़ इतनी है, तो अगर Cr2O3 बढ़ रहा है तो FE की अमाउंट घट जाएगी। सो दिस इज़ अबाउट मिनरोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन। इसमें मेन तो है ग्रेड्स हमें पढ़ने हैं, इस ग्रेड्स के बिना हमारी मिनरोलॉजी अधूरी है। तो ग्रेड है, हाई ग्रेड और होता है इसका एल्यूमिनस क्रोमाइट होता है, चार ग्रेड हैं इसके, हाई ग्रेड और एल्यूमिनस क्रोमाइट, फेरीफेरस क्रोमाइट और सिलिकेस क्रोमाइट। तो जो हाई ग्रेड और है सीधे सीधे इसमें Cr2O3 की अमाउंट ज़्यादा होती है, आयरन ऑक्साइड की अमाउंट कम होती है, और कुछ अदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है। सुकिंडा, नौशाही उड़ीसा की जो सुकिंडा वैली रीजन है वहाँ पर ये हाई ग्रेड ओर मिलता है, उड़ीसा में अराउंड 97% क्रोमियम इंडिया का मिला करता है। देन इसके बाद एल्यूमिनियम डिपॉजिट, एल्यूमिनस क्रोमाइट इसको हम कहते हैं, इसमें Fe2O3 अराउंड 20-30% होता है, ठीक है। जो एल्यूमिनियम की जो इम्प्योरिटीज़ हैं काफ़ी होती हैं, लेकिन उसको आपको मेंशन करने की नीड नहीं है। और ये होता है आपका कोंडापल्ली आंध्र प्रदेश और सित्तामापुंडी ये तमिलनाडु में होता है। ये नाम रटने टफ है, लेकिन मैं आपको इसको एक चीज़ बताऊं कि सबसे पहले आप ये रटो हाई ग्रेड और एग्जांपल लास्ट में रटना, अगर एग्जांपल 1, 2, 4 भी लिख दो या मैप बना दो चल जाएगा, लेकिन इसके बिना नहीं चलेगा। तो एग्जांपल्स लास्ट में लिखना, लेकिन एग्जांपल लिखने ज़रूरी हैं क्योंकि जियोलॉजी ऑफ इंडियन और डिपॉजिट पूछ रहा है, ठीक है, तो आपको बताने, लेकिन उनको रटना बाद में। देन इसके बाद फेरीफेरस क्रोमाइट आता है, जिसमें क्रोमाइट की जो अमाउंट 30% से ज़्यादा है, और इसके बाद आता है सिल्केस क्रोमाइट, जिसमें SiO2 कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। सुकिंडा और पौनी महाराष्ट्र में मिलता है, फेरीफेरस मिलता है जोजूहाटू बिहार, और पौनी महाराष्ट्र, और सुकिंडा नौशाही ओडिशा में ये मिलता है। तो ये इसके चार ग्रेड हुए। मिनरोलॉजी और क्लासिफिकेशन की हम यही बात कर सकते हैं, इन्हीं के बेस पर इसका क्लासिफिकेशन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इंडियन डिपॉजिट को अगर हम क्लासिफाई करना चाहें, क्लासिफिकेशन की बात है, इंडियन डिपॉजिट को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, जहां क्रोमियम और आयरन के रेशियो को हम कंसीडर करते हैं। तो अगर क्रोमियम रेशियो आयरन, ठीक है, क्रोमियम 3 या 3 से ज़्यादा है, 3 एंड अबव का मतलब ये 3 से ज़्यादा है, 3/1 से ज़्यादा है, एल्यूमिना नील है, इनको हम हाई ग्रेड क्रोमियम में डालते हैं, एक ये है, ठीक है। दूसरा इसको हम एवरेज ग्रेड कहते हैं,
जिसमें क्रोमियम और आयरन टू रेशियो 1 है, Al2O3 स्टिल इट इज़ कंसिडरेबल और CrFe 1.5 या उससे कम है, प्रैक्टिकली लो इम्प्योरिटीज़ हैं, तो ये आप लो ग्रेड में डाल सकते हो। तो इंडिया के डिपॉजिट कुछ इस तरह के हैं। देन टाइप एंड मोड ऑफ अकरेंस, तो मोड ऑफ अकरेंस के बेस पर हम टाइप बताते हैं कि क्या है। तो क्लासिफिकेशन, यहाँ तो हमने इंडिया की बात कर ली, ओवरऑल टाइप यहाँ पर बात की जाती है। चार डिपॉजिट टाइप हैं, स्ट्रेटिफॉर्म क्रोमाइट, पॉडीफॉर्म, प्लेसर डिपॉजिट और लेटराइट डिपॉजिट। जो थायरे हैं 1969 में इन्होंने टू टाइप में डिवाइड किया था, स्ट्रेटिफॉर्म और पॉडीफॉर्म। स्ट्रेटिफॉर्म तो आप स्ट्रेटा समझते हो लेयर बाई लेयर, पॉडीफॉर्म आपको बताया था, और स्ट्रेटिफॉर्म भी देखो, स्ट्रेटिफॉर्म इस तरह का दिख रहा है ना, स्ट्रेटा में है ये, दीज आर स्ट्रेटा, ये स्ट्रेटा दिख रहा है ना, ठीक है, तो ये बैंडेड दिख रहा है, ठीक, तो ये स्ट्रेटिफॉर्म डिपॉजिट हुआ। और पॉडीफॉर्म डिपॉजिट इस तरह का होता है, नोड्यूल्स टाइप होते हैं, ये दिख रहे हैं, दीज आर पॉडीफॉर्म डिपॉजिट, इस तरह के। स्ट्रेटिफॉर्म कुछ इस तरह का होगा लाइक दिस, ये स्ट्रेटिफॉर्म टाइप होता है, जो ये ऊपर बना हुआ है, दिस इज स्ट्रेटिफॉर्म टाइप डिपॉजिट। तो वन बाय वन इनको समझने की कोशिश करते हैं। जो स्ट्रेटिफॉर्म है, जैसे कि हमने अभी फिगर देखी, लार्ज मास ऑफ इग्नियस रॉक में पाए जाते हैं। इग्नियस रॉक आपको पता ही होगा, आग्नेय चट्टाने कहते हैं इनको, तो इग्नियस रॉक बहुत ही सॉलिड होती हैं। तो इग्नियस रॉक सब सरफेस मैग्मा के अंदर बहुत धीरे धीरे जब कूल होती है, तब जाके स्ट्रेटिफॉर्म टाइप डिपॉजिट बनते हैं। इसमें बैंड और लेयर, अभी हमने देखा ना, बैंड और लेयर टाइप है, इससे पता चलता है कि ग्रेविटेशनल सेटिंग हुई है। इग्नियस रॉक तो नॉर्मली पत्थर टाइप होता है, ठीक, लेकिन अगर आपको लेयर्स दिख रही हैं, स्ट्रेटिफॉर्म, स्ट्रेटा है ना, तो ये बैंडिंग और लेयर्स आपकी होती है सेडिमेंट्री रॉक की पहचान, तो उनको हम स्ट्रेटस रॉक्स भी कहते हैं। तो लेकिन दीज आर फाउंड इन इग्नियस रॉक, लार्ज मास ऑफ इग्नियस रॉक्स होती है, ग्रेडेड बेडिंग और ग्रेन साइज होती है। मतलब इनकी एक खास बात यह है कि इग्नियस रॉक है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज आपकी सेडिमेंट्री रॉक की तरह है। क्यों है? क्योंकि इनकी कूलिंग स्लो होती है, सडन कूलिंग हो जाए तो ये हार्ड पत्थर बन जाए, स्लो कूलिंग हुई तो लेयर बाई लेयर, लेयर बाई लेयर धीरे धीरे कूलिंग होती रही, या इसकी अलग कूलिंग हुई, इसकी अलग कूलिंग हुई, इसकी अलग कूलिंग हुई, लाइक दैट। तो ग्रेडेड बेडिंग एंड ग्रेन साइज क्या है, वो फ्रीक्वेंट हो सकते हैं, फेरी फेरस और लेस एल्यूमिनस हो सकते हैं। अभी हमने जो यहाँ पर मिनरोलॉजी के ग्रेड्स पढ़े थे वहाँ पर देखा, CrFe रेशियो 2:1 या लेस है। इनके जो भी डिपॉजिट लॉन्ग बैंड या फिर लेंसोइड बैंड में आते हैं, लेंसोइड बैंड कुछ इस टाइप के होते हैं, हम फिगर देखते हैं अभी। और सिमुलेटिंग स्ट्रेटिफिकेशन उसे हम कहते हैं, प्री कैम्बियन या फिर आर्केन जियोसिंक्लाइन में पाए जाते हैं। लेंसोइड कैसे होते हैं डिपॉजिट, एक बार हम लेंसोइड डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो ये होते हैं, ये देख रहे हो आप, ये लेंसेज बने हुए हैं, ये लेंस बना है, ठीक, ये लेंस बना है, इनको हम लेंसोइड डिपॉजिट कहते हैं। तो एग्जाम में आप यही ऐसे ही फिगर्स बनाने की कोशिश करो। तो हम पढ़ रहे थे स्ट्रेटिफॉर्म, लेंसोइड डिपॉजिट फाउंड इन प्री कैम्ब्रियन एंड आर्कियन जियोसिंक्लाइन में पाए जाते हैं। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जो वो फिगर मैंने आपको दिखाई थी, दैट इज़ ऑफ बुशवेल्ड, साउथ अफ्रीका की है, साउदर्न रोडेशिया में भी पाया जाता है, यूएसए में भी है ये। अपार्ट फ्रॉम दैट सुकिंडा नौशाही इंडिया के हैं, ये वर्ल्ड के एग्जाम्पल्स हैं, सुकिंडा नौशाही, चायबाशा, सित्तम पुंडी और कोंडा पल्ली, ये एरिया है। दुनिया भर के जो ज़्यादातर रिसोर्सेज हैं इस टाइप के क्रोमाइट के, वो हैं स्ट्रेटिफॉर्म डिपॉजिट में पाए जाते हैं। इसके बाद ये जो क्रोमाइट सीम्स हैं, इनको जो डार्क लेयर आपको दिख रही है ये वाली, ये क्रोमाइट सीम्स है, बुशवेल्ड स्ट्रेटिफॉर्म डिपॉजिट साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पॉडीफॉर्म टाइप डिपॉजिट की, तो ये नोड्यूलर फॉर्म में पाए जाते हैं, एल्यूमिनस होते हैं, CrFe रेशियो अभी भी 2:1 से ज़्यादा है। ड्यूनाइट और सरपेंटीनाइट इन रॉक्स में पाए जाते हैं, जो ये पत्थर होते हैं। तो ये मिनरोलॉजी में हम पढ़ते रहते हैं सारे, तो दीज आर जस्ट, अगर आप देखो तो ये जस्ट इस टाइप के पत्थर है, ड्यूनाइट की ये स्ट्रक्चर है, सरपेंटीनाइट की ये स्ट्रक्चर है। तो इनको फ़िलहाल तो आप रट लो कि ये होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनकी डिटेल्स तो या तो आपने अभी तक पढ़ ली होगी इग्नियस और मेटामॉर्फिक के लेक्चर में, नहीं तो वापस पढ़ लेना उसको। तो ये आपको मिलते हैं टर्शरी जियोसिंक्लाइन। अब जियोसिंक्लाइन समझने के लिए आपको आनी चाहिए जियोमॉर्फोलॉजी। जियोसिंक्लाइन इसको कहते हैं कि जो ये वाला पार्ट है पानी की वजह से धंसता जा रहा है, लेयर बाई लेयर बनती जा रही है इस टाइप की, ठीक है। तो ये ठीक है, टर्शरी जियोसिंक्लाइन। इनफैक्ट अभी आपको अगर अभी से इकोनॉमिक जियोलॉजी से ही पढ़ना शुरू करो तो कीवर्ड एटलीस्ट याद कर लो कि ऐसा कुछ होता है। और जो ये है, इनका प्लेसमेंट मेसोजोइक टर्शरी जियोसिंक्लाइंस में है, कोर ऑफ फोल्ड्स, फोल्ड्स जो होते हैं उनके कोर्स के पास पाया जाता है। इसके जो एग्जांपल्स हैं, इंडिया में लद्दाख और मणिपुर है, बाकी ग्रीस, क्यूबा, यूराल और पाकिस्तान में ये काफ़ी पाए जाते हैं। पाकिस्तान में भी क्रोमियम अच्छा खासा मिलता है, ठीक। इसके बाद अगर इसकी हम बात करें पॉडीफॉर्म क्रोमाइट डिपॉजिट, तो इस तरह के होते हैं। तो ये हम बात कर चुके हैं, जब भी फिगर बनानी तो ये वाली फिगर बना लो, मोस्टली 10 किलोमीटर से नीचे दिखाया है, लेकिन ये कहीं भी मिल सकता है। क्रोमियम की जो माइनिंग होती है मोस्टली ओपन कास्ट माइनिंग होती है।
फिर तीसरे टाइप के जो बीच सैंड डिपॉजिट या प्लेसर डिपॉजिट हैं, जो बीच की सैंड से मिलते हैं। तो देखो ये डिपॉजिट होते क्या है, एक्चुअल में बात क्या है कि बीच सैंड, यहाँ पर कोई एक रॉक है, इस रॉक में अगर मैं बात करूँ, एक तो ये रेड एलिमेंट है और दूसरा ये ब्लू एलिमेंट है। अगर रेड एलिमेंट ज़्यादा वेदरिंग रेसिस्टेंट है तो ये बच जाएगा, तो ये पेरिडोटाइट पत्थर में मिलते हैं, ठीक है। वेदरिंग ऑफ क्रोमाइट बियरिंग रॉक्स एंड लेटराइट सॉइल, जो कि पेरिडोटाइट के आसपास डेवलप होते हैं, तो ये ब्लू वाला उड़ जाता है और ये क्रोमियम रह जाता है। मोर वेदरिंग रेसिस्टेंट मिनरल ऑफ पेरिडोटाइट है। क्रोमियम के साथ एक अच्छी बात यह भी है कि हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसकी ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। तो मिनरोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई है तो उसको हम सेलेक्टिवली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, हम नहीं, वेव्स कर सकती हैं, ठीक है। मतलब उसने उसको उठा के ट्रांसपोर्ट कर दिया, वो यहाँ रखा हुआ है, एक बार आ गया तो आ गया, ठीक है। अगर लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी तो जो अंडरटो करंट्स हैं वो उसको उठा के ले जाएंगी। तो वेव और करंट एक्शन इस तरह से इनको डिपॉजिट करता जाता है, और बीच सैंड को ही हम प्रोसेस करते हैं हैवी मिनरल्स को निकालने के लिए। तो अगर हमने हैवी मिनरल्स पढ़ लिया है सेडिमेंटोलॉजी में तो आपको ये समझ में आ गया होगा। देन अगर हम ओरिजिन की बात करें तो बेसिक, अल्ट्रा बेसिक, ये सब रॉक्स आप पढ़ चुके हो, ठीक है। नहीं भी पढ़ी है तो इनका नाम रटो। इनके जो डिपॉजिट हैं, क्लोज रिलेशनशिप विद अल्ट्रा बेसिक रॉक्स इनकी पाई जाती है। देखो ये टर्म्स मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि इकोनॉमिक जियोलॉजी एक अप्लाइड टॉपिक है, इसके लिए आपको आना चाहिए जियोमॉर्फोलॉजी, जो आपकी दूसरी यूनिट है। देन स्ट्रक्चरल आनी चाहिए इसके लिए आपको, देन पैलियंटोलॉजी भी आनी चाहिए, पेपर वन पूरा आना चाहिए, स्ट्रेटिग्राफी आनी चाहिए। देन इसके अलावा मिनरोलॉजी, इग्नस मेटामॉर्फिक, और आपको आना चाहिए सेडिमेंटोलॉजी, इसके अलावा माइनिंग भी आनी चाहिए। मतलब पूरी जियोलॉजी का जो मोस्ट अप्लाइड पार्ट है वो इकोनॉमिक जियोलॉजी है। तो इसको मैं पहले क्यों रखा है लेक्चर सीरीज में, ताकि आपको ये पता रहे कि बाकी जगह किन किन चीज़ों को ध्यान देके पढ़ना। तो ये अर्ली मैग्मेटिक क्रिस्टलाइजेशन से आता है। अगेन ये मैग्मेटिक क्रिस्टलाइजेशन, अर्ली मैग्मेटिक क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है क्या नहीं होता है, इनको तो हम अभी उसमें पढ़ते ही हैं, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिनरल डिपॉजिट, उसमें आपने पढ़ ही लिया होगा। ऑल्दो क्रोमियम एक मेटल है, ये नेचुरली मेटलिक फॉर्म में नहीं मिलता है, तो ये इसकी खास बात है। अब डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें, यहाँ कुछ फैक्ट्स के लिए मैंने ये पेज ब्लैंक छोड़ दिया, आप लिख लेना। डिस्ट्रीब्यूशन जियोलॉजिक और जियोग्राफिक दोनों पढ़ने। तो जियोलॉजिक में आता है ईस्टर्न घाट ग्रुप ऑफ रॉक्स हैं, धारवाड़ ग्रुप्स ऑफ रॉक्स हैं, जो कि आयरन ओर की हैं, आयरन ओर ग्रुप धारवाड़ ओरिजिन की हैं। तीसरे ये आपका टर्शरी फॉर्मेशन है। तो ये तीन मेन टाइप्स हैं, इसके बाद ज्योग्राफिक पढ़ते हैं। तो अगर हम जियोलॉजिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, जिसमें कि हम ईस्टर्न घाट ग्रुप ऑफ रॉक्स की बात करते हैं, तो क्रोमाइट आपको इन इन पत्थरों के साथ एसोसिएट हुआ मिलता है। मेनली क्या है, लेंसोइडल बॉडीज ऑफ चार्नोक्टाइट, ठीक है, जो लेंस टाइप की बॉडीज है चार्नोक्टाइट रॉक की, वहां आपको मिलता है। हाइपर स्थेनाइट, ब्रोंजिटाइट एंड डायोप्सिडाइट, इनमें मिलता है। जो ये लेंसेज होते हैं, अगर इनकी आप एक्सेस देखो, लॉन्ग एक्सेस, तो ये रीजनल ट्रेंड ऑफ रॉक के दिखती है, नॉर्थ साउथ फोल्ड में दिखती है। तो फोल्डिंग जैसे ही आप पढ़ते हो स्ट्रक्चरल, वहां फोल्ड हमें समझ में आता है। और क्रोमाइट है ईस्टर्न घाट ओरिजिनी से रिलेटेड है, आंध्रा और तमिलनाडु, यहाँ पर मेनली आंध्रा और तमिलनाडु के डिपॉजिट्स इसमें मेन है। इसके बाद हम धारवाड़ ग्रुप रॉक की बात करें, तो जो क्रोमाइट है, क्रोमाइट आपका पायरोक्सिनाइट और पेरिडोटाइट इन पत्थरों से एसोसिएटेड है, लेंसेज और बैंड्स में होते हैं। सिंगभूम, धेन कनाल, कटक और खेवंजार से रिलेटेड है, और ये आपके आयरन और ओरिजिन से रिलेटेड है, इसलिए आयरन और ग्रुप भी इनको हम कहते हैं। इनका जो इम्प्लेसमेंट होता है एक्सियल प्लेन ऑफ एंटी फॉर्मल फोल्ड्स, जो धारवाड़ ओरिजिनी के आसपास हैं, तो जो उस टाइम पे एंटी फॉर्मल फोल्ड्स हैं, तो इसको लेके आप रटते जाओ चीज़ों को, इतना सफिशिएंट है, क्योंकि दिस इज़ मोस्ट अप्लाइड पार्ट ऑफ जियोलॉजी। ये कुछ इमेजेस हैं यहाँ, मैं जहाँ आपको इम्पोर्टेंट लगे वो बता दे रहा हूँ। ड्यूनाइट इस एरिया में आता है, पारोक्सीनाइट, पेरिडोटाइट इस एरिया में आते हैं। तो ये सब चीज़ें जब हम मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी में, ये इसको हम पढ़ते हैं। इसके बाद टर्शरी फॉर्मेशंस की बात करते हैं, लद्दाख में और मणिपुर में ये मिलते हैं। टर्शरी टाइप के हिमालयस, आपको पता है कि टर्शरी रॉक्स इंडिया में वहीं मिलते हैं, द्रास वोल्केनिक रीजन में जो क्रेटेशियस की हैं वहाँ मिलता है। तो सरपेंटिनाइट और ड्यूनाइट इन दो रॉक्स के साथ मिलता है, और मणिपुर में अल्ट्रा बेसिक रॉक, जो कि टर्शरी फॉर्मेशन में जिनका इंट्रूजन हो गया। टर्शरी फॉर्मेशन ये है, इनके अंदर आपकी ये अल्ट्रा बेसिक रॉक ऊपर को इनका इंट्रूजन हो गया, नीचे से ऊपर आ गई है, ठीक है। तो ये टर्शरी फॉर्मेशंस हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, ये जो पत्थर हैं, ठीक है, आपने देख लिए। जियोलॉजी के बाद आता है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको मेनली ये याद रखना है कि साउथ अफ्रीका के बाद इंडिया सेकेंड नंबर पर आता है,
बाकी कुछ और कंट्रीज़ हैं, दोज आर नॉट इम्पॉर्टेंट एज सच, तो उनको आप सेफली इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इंडिया के जो डिपॉजिट हैं, तो एग्ज़ाम्पल्स तो आप वही रटो जो हमने अभी ऊपर रखे हैं, ठीक है, उरुखुल और तामेंगोंग, ठीक है। यहाँ पर केओंजार, भैनकनाल, कटक, यहाँ कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है, हसन और मैसूर तमिलनाडु के कुछ है, तो ये मेन एरिया आपको दिख रहे होंगे, उड़ीसा सुकिंडा वैली एरिया ये है। तो ज़्यादा ऑथेंटिक मैप आप तब बना पाओगे जबकि आप जो रियल कंटेंट मैंने आपको दिया है उससे आप लिखोगे। इसके अलावा एक ये टेबल है, जब पूरा रट जाए, ठीक है, जब आप बिल्कुल एग्ज़ाम से पहले तैयार हो, इस टेबल में से कुछ चार गंदे से एग्ज़ाम्पल रट लेना, ठीक है, बहुत हैं, वो आपको दूसरों से अलग कर देगा। बेटर है कि मणिपुर और J&K का जरूर रट लेना, क्योंकि ये द्रास और मणिपुर का जो उरुखुल ये वाला एरिया है उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं, बाकी उड़ीसा का एक बार रट लो तो ये आपको उड़ीसा का आइडिया लग जाएगा। बाकी सिंहभूम एरिया का पूछता है तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जोजाहाटू और चाईबासा, तो अगर आप मुझे कहोगे तो मैं बिहार, उड़ीसा और ये दो तो रटूंगा, लेकिन तमिलनाडु और रट लूँगा क्योंकि एक अलग नाम है तमिलनाडु में, इनफैक्ट इंडिया का जो मैप है वो शो भी नहीं करते। रिजर्व्स की अगर बात करें और प्रोडक्शन की बात करें तो उड़ीसा रिचेस्ट है 97%, मतलब 3% ही है बाकी पूरे इंडिया में, और जो टोटल रिजर्व्स हैं उसका अराउंड 1/3 मेटलर्जिकल ग्रेड का है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। रिफ्रैक्ट्री ग्रेड क्रोमाइट 5%, रिफ्रैक्ट्री ग्रेड क्या होता है उसको हम यूजेज में अभी देखते हैं, ठीक है, इसकी ब्रिक्स बनती हैं, ठीक, तो जो हाई टेम्परेचर रेसिस्टेंट होती हैं तो उनको हम अभी देखते हैं नीचे। उड़ीसा में प्रोडक्शन अराउंड 97% होता है, कर्नाटका सेकंड हाईएस्ट है। फेरोक्रोम और चार्ज क्रोम ये दो मेन मिनरल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं इसके। इसके बाद अगर हम माइनिंग की बात करें तो ज़्यादातर माइनिंग ओपन कास्ट माइनिंग होती हैं, जैसे बैरापुर कर्नाटका और बौला और कटपाल माइंस। माइंस और एरिया डिफरेंट है, माइन मतलब सिंहभूम ये एक रीज़न है, यहाँ पे एक माइन का नाम ये हो सकता है, एक माइन का नाम ये हो सकता है, एक माइन का नाम ये हो सकता है, एक माइन का नाम, ठीक है। जैसे आप डॉक्टर हो, ठीक है, आप गले के डॉक्टर हो सकते हो, आप पेट के डॉक्टर हो सकते हो, आप ENT सर्जन हो सकते हो, इस तरह से। इंजीनियर हो तो कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर हो सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकते हो, ठीक है, IT हो सकते हो, तो ये इस तरह से। माइंस याद रखना, माइंस और सिटी ये अलग अलग एरिया, माइनिंग एरिया और माइंस अलग है। तो आप क्योंकि जियोलॉजी के स्टूडेंट हो और कुछ माइनिंग जियोलॉजी आपके लिए सिलेबस में भी है तो कुछ माइंस के नाम रटो, तो आपको इकोनॉमिक जियोलॉजी पढ़ने का फ़ायदा ये हो जाता है, आपको पता चल जाता है किन किन चीज़ों पर पूरे सब्जेक्ट में ध्यान देके पढ़ना है, ठीक है। तो बैरापुर माइंस हसन है, ये अंडरग्राउंड माइनिंग होती है क्योंकि अराउंड 300 मीटर डेप्थ तक होता है, कट एंड फिल मेथड ऑफ स्टॉपिंग होता है, माइनिंग जियोलॉजी में पढ़ेंगे, यहाँ मैं नहीं बता रहा हूँ। सुकिंडा वैली अराउंड 60-63 मीटर होता है, ओपन कास्ट माइनिंग होती है, पूरा खोद दिया उन्होंने, ठीक है। तो मोस्टली ये है, और ऑपरेशंस जो इंडिया में है पूरी तरह से मैकेनाइज्ड तो कहीं भी नहीं है, तो सेमी मैकेनाइज्ड ऑपरेशंस हैं। अगर हम यूजेस की बात करें तो मेटलर्जिकल रिफ्रैक्ट्री और केमिकल पर्पस के लिए इसका यूज़ होता है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील में अगर हम बात करें तो अराउंड 18% क्रोमियम और 8% निकल होता है। जो स्टेलाइट होता है ये स्पेसिफिक क्रोम एलॉय है, हाई स्पीड टूल स्टील के लिए बनाया जाता है, जो हाई स्पीड की जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें ये बनाया जाता है। एरोप्लेन हुआ, सैटेलाइट हुआ, ट्रेन हुई, बुलेट ट्रेन हुई, वहाँ पर आप क्रोमियम का यूज़ करते हो। क्रोमियम प्लेटिंग भी काफ़ी पॉपुलर है, और जो कुछ एलॉयज़ हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ इम्प्रूव कर देता है अगर आप उसमें क्रोमियम मिला लो। गूगल क्रोम ब्राउज़र और इंटरनेट एक्सप्लोरर में जो डिफरेंस है वही नॉर्मल एलॉय और क्रोमियम वाले एलॉय में है। जैसे स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, टफनेस हार्डनेस बढ़ जाती है, रेसिस्टेंट टू ऑक्सीजन, कोरोजन, एब्रेजन, केमिकल, हाई टेम्परेचर ब्रेकडाउन, इन सब चीज़ों के लिए बच जाता है। देन इसके बाद जो हम बात करेंगे कि हाई स्ट्रेंथ ऑफ क्रोम स्टील जो है, इनकी हाई स्ट्रेंथ होती है तो आपका रिडक्शन इन वेट, ठीक है, आप जैसे ही किसी मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ गई, आप उसको इजीली ब्रेक नहीं कर सकते, तो फिर आप उसका वेट घटा सकते हो। ऑटोमोबाइल इनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो मंगलयान में जो सैटेलाइट लगी थी उसमें मेनली जो पहले लगता था एल्यूमिनियम हम यूज़ करते थे, लेकिन उन्होंने बाद में क्रोमियम एलॉय भी यूज़ किया था। मूवी में तो पता नहीं क्या प्लास्टिक और क्या क्या दिखाया, बट रियल में क्रोमियम यूज़ हुआ है। इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल जो रिफ्रैक्ट्री ब्रिक्स के लिए हो सकते हैं, जिनकी हमने बात की थी, रिफ्रैक्ट्री ब्रिक्स हैं वो क्या होती हैं, जिनका टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो टेम्परेचर विदस्टैंड कर सके, तो क्रोमियम इसके लिए एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल, ठीक है। और ये ब्रिक्स आपकी लाइनिंग की तरह यूज़ होती है, जैसे ओपन हर्थ फर्नेस और भी कहीं यूज़ कर सकते हो। रिफ्रैक्ट्री पर्पस के लिए अगर आपको क्रोमियम और चाहिए तो इट शुड बी ऑफ 40% ग्रेड, सिलिकन डाइऑक्साइड 6% और FeO होना चाहिए और CaO होना चाहिए। अब अगर हम क्वेश्चंस देखें कि क्रोम से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आए हैं, तो अब तक इस टॉपिक से तो नहीं क्वेश्चन पूछा है। क्रोम आपको इस पूरे में तीन जगह दिखता है, तो यहाँ तो सिलेबस ही डाला है, ये पूछा हुआ है। और ये किस हेडिंग में पूछा है, ये पूछा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ ओर डिपॉजिट, यहाँ पर एक्सप्लेन द ओर फॉर्मिंग प्रोसेस, इसमें पूछा हुआ है। अभी ये पूरी तरह से
डिवाइडेड नहीं है अच्छे से, तो और प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यहाँ पे जाएगा ये टॉपिक, ठीक है। तो क्रोमाइट, क्रोमाइट और निकिल कॉपर सल्फाइड डिपॉजिट की बात पूछिए जो अल्ट्रामेफिक रॉक में है, तो इसका भी डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है क्रोमाइट से रिलेटेड, और फॉर्मिंग में पूछा है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिनरल डिपॉजिट। तो आप तैयार करके रखो, क्योंकि अब जैसे ही मिनरल में जाएगा इसके बियॉन्ड, आयरन और मैंगनीज के बियॉन्ड, तो फिर क्रोमियम में जाएगा। सो इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। अगले लेक्चर में हम किसी और मिनरल को कंप्लीट करेंगे। सो इफ़ यू लाइक द लेक्चर, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब।